गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, राम मंदिर स्पेशल स्टोरी ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। चले देखते हैं राम मंदिर की स्टोरी क्या है एग्जैक्टली। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ मैं भी कर दो। हियर वी गो। रिमेंबर द लेजेंड, बिहारी वाजपेयी होगी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। सच यह है कि इतिहास अब देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स इज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रमक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। ते उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ नहीं, पांव रहता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। एक 762 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे बाबरी मस्जिद को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जाट। अरे बाबर कौन था, घुसपैठ किया था। अकबर कौन था, घुसपैठ किया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है। जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे, हम राम जन्मभूमि को अपना मान्यता देते हैं। अरे मुझे छोड़ दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था। और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है, नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना इसे कैसे हो नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। अब आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते, इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हैं, क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए, हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते हैं, ये सच है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों आम लोगों को ही पूछो।
जो कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब, वो बड़ा उदार दिल होता है, बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट। ऐसी कोई बात नहीं, कार्टूनिस्ट होता है, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, इमोशन क्या होता है, वो न्यूज पर आधारित होता है। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है, उसका ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए, नहीं टेरर होता तो खान। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी थी। आपने मतलब बताया यार, देखो अगर मतलब कि जहाँ जहाँ इनको लगता है कि राम मंदिर बने हुए थे तो उसके ऊपर मस्जिद बनाई, तो मस्जिद को तोड़ना गुनाह नहीं है वैसे, मैं बता दूँ पहले। लेकिन उस मस्जिद की जो मस्जिद है ना, उसको ना मतलब कि आसपास कहीं बना लो तो वो सही हो जाता, सही हो जाता। तो अगर तोड़ भी रहे हैं तो उस मस्जिद को, उस वली मस्जिद को कहीं मतलब के आसपास जमीन तो लेके बनाना चाहिए, तो कोई मतलब के बुरा नहीं है, ये करना चाहिए। अगर मतलब अपने मंदिर को वापस आने के लिए अगर तोड़ दें तो साथ में मस्जिद जरूर बनाए, ताकि मतलब के मुस्लिम्स के भी दिल पे वो ना हो कि हमारी मस्जिद टूट और अपना भी बन जाए। आप लोग कमेंट करके बताना आपको मेरी बात ये कैसी लगी, और आप क्या करना चाहेंगे कमेंट करके बताना। अभी तो शायद राम मंदिर बन रहा है आई थिंक, क्योंकि योगी जी बना रहे हैं, है ना। आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।